अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान की शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डेवलपमेंट की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान की अंडर लाइसेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैयारी, डेनमार्क की यूक्रेन के पायलट्स को तरबियत, नेदरलैंड्स और साउथ कोरिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने हालिया दिनों में अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के तहत कई तरह के वेपन्स और सिस्टम्स बनाने का ऐलान किया है। कंपनी की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस, जो कि बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ कंपनियों का कंसोर्शियम है, उसके मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मकामी सतह पर डेवलप कर रहा है। इस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 25 किलोमीटर मुतवक्के है, जबकि ये 6 से लेकर 8 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर मुख्तलिफ एरियल थ्रेट्स जैसा कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, यूएवीज और क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकेगा। कंपनी की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक फाज एसएल के नाम से इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में इतलात है कि बुनियादी तौर पर ट्रक या जीप माउंटेड सिस्टम होगा, जिसको मुख्तलिफ तरह के पहले बयान किए गए एरियल थ्रेट्स के खिलाफ 20 से लेकर 25 किलोमीटर की रेंज तक इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान पहले ही अंजा MK-1, MK-2 और MK-3 के नाम से शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल मकामी सतह पर डेवलप कर रहा है और मुमकिन तौर पर इसी सिस्टम पर बेस्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को फ्यूचर में ट्रक माउंट सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। ख्याल रहे कि अमेरिका भी इससे पहले इस किस्म के शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की कैटेगरी में अपने MRAM एयर टू एयर मिसाइल को ग्राउंड लॉन्चर्स की मदद से अपनी हमवी व्हीकल्स पर इस्तेमाल करता है। ख्याल रहे कि अंजा MK-3 की मैक्सिमम रेंज 6 किलोमीटर बताई जाती है और ये 3.5 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर मुख्तलिफ तरह के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। साउथ कोरियन हुकूमत ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र K2 ब्लैक पैंथर मेन बैटल टैंक की एडिशनल प्रोडक्शन की गर्ज से $1.46 अरब की मंजूरी दे दी है। साउथ कोरियन डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक दुश्मन की जानिब से लाख खतरात के पेश नज़र कोरियन आर्म्ड फोर्सेस की मिलिट्री रेडीनेस को यकीनी बनाने के लिए मजीद K2 ब्लैक पैंथर टैंक अक्वायर किए जाएंगे। ख्याल रहे कि हालिया दिनों में साउथ कोरिया की जानिब से अपनी आर्म फोर्सेस के जेर इस्तेमाल कुछ K2 ब्लैक पैंथर इब्तदाई तौर पर पोलिश आर्म फोर्सेस के भी हवाले किए गए थे। साउथ कोरियन आर्मी इस वक्त 2000 से जायद मेन बैटल टैंक्स अपनी सर्विस में इस्तेमाल करती है, जिसमें से 480 से जायद K1A1 और K1A2 शामिल हैं, जबकि 150 K2 टैंक्स और 400 M48A5 टैंक्स शामिल हैं। इसके अलावा कोरियन आर्मी यूक्रेनियन साख्ता TATU मेन बैटल टैंक के भी 40 यूनिट्स अपनी सर्विस में इस्तेमाल कर रही है। साउथ कोरिया ने बड़ी तादाद में K2 ब्लैक पैंथर टैंक पोलैंड को भी फरोख्त किए हैं, जबकि इस टैंक के बारे में इतलात हैं कि 120 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन से इक्विप्ड किया गया है। फ्रेंड्स, डेनमार्क और नेदरलैंड्स के बारे में इतलात हैं कि वो उस यूरोपियन इत्तेहाद को लीड करेगा जिसको बुनियादी तौर पर यूक्रेनियन पायलट्स को F-16 से मुतालिक ट्रेनिंग देने और यूक्रेन को आने वाले अरसे में फराहम किए जाने वाले F-16 की रिपेयर एंड मेंटेनेंस को इंश्योर किया जाएगा। ख्याल रहे कि नेदरलैंड और डेनमार्क के बारे में इतलात हैं कि वो पहले ही अपनी एयरफोर्सेज के जेर इस्तेमाल कुछ F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट यूक्रेन को इब्तदाई तौर पर डिलीवर करने पर रजामंद हो गए हैं। ख्याल रहे कि इस वक्त अमरीका और उसके इत्तेहादी तकरीबन 50 ममालिक यूक्रेन की मुख्तलिफ हवालों से इमदाद कर रहे हैं, जिसमें अस्करी इमदाद सर फहरिस्त है। इन ममालिक की जानिब से जहां बहुत से मिलिट्री वेपन और इक्विपमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम यूक्रेन को फराहम किए गए हैं, वहीं अब इन ममालिक की जानिब से खासे एडवांस समझे जाने वाले F-16 तैयारे भी यूक्रेन को देने का ऐलान किया जा चुका है। यूक्रेन इससे पहले सोवियत साख्ता MiG-29 और SU-27 इस्तेमाल कर रहा था, तहम रशिया के साथ हालिया जंग में उसे कई MiG-29 और SU-27 तैयारे इस जंग में खोना पड़े हैं। यूक्रेन की जानिब से काफ़ी अरसे से F-16 तैयारों की फराहमी का मुतालबा किया जा रहा था, जिसको अभी तक अमरीका की जानिब से मंजूरी नहीं दी गई थी। तहम गुज़श्ता माह के अवाइल में अमरीकी सदर जो बाइडन ने G7
लीडर्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन को F-16 तैयारें फराहम करने के हवाले से इब्तदाई मंजूरी दे दी थी। फ्रेंड्स, यूक्रेन के तुर्की में तैनात अम्बेसडर ने कहा है कि उनका मुल्क तुर्की के साथ मिल्जम शिप से मुतालिक तावुन को जारी रखेगा। ख्याल रहे कि तुर्की की जानिब से 4 मिल्जम क्लास कॉर्वेट्स आने वाले अरसे में यूक्रेन को फराहम की जानी है, जिसमें से एक शिप तुर्की के तावुन से मकामी सतह पर यूक्रेन में तैयार की जाएगी, जबकि बाकी 3 शिप्स तुर्की में तैयार की जानी है। ख्याल रहे कि यूक्रेन ने हालिया दिनों में तुर्की से कई तरह के वेपन्स अक्वायर किए हैं, जिसमें TB2 ड्रोन्स और उससे मुतालिक एयर लॉन्च गाइडेड मिनिशन, मुख्तलिफ माइन रेजिस्टेंस एम्बश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स काबिले जिक्र हैं। यूक्रेन अपनी नेवी के लिए एडवांस वेपन्स और सेंसर्स पर बेस्ड मिल्जम कॉर्वेट्स भी तुर्की से अक्वायर कर रहा है, जिससे मुतालिक दोनों मालिक के दरमियान मुआहदा 2021 के एंड पर तय हुआ था। फ्रेंड्स, ईरान के बारे में इतलात हैं कि उसने मकामी सतह पर अंडर लाइसेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की है। ईरान की जानिब से सिमर्ग नामी इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट गुज़श्ता दिनों कंडक्ट की गई है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में इतलात हैं कि यूक्रेनियन कंपनी एंटोनोव के AN-140 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है और इसको ईरान अंडर लाइसेंस मकामी सतह पर डेवलप कर रहा है। इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में सबसे पहले इतलात 2022 में सामने आई थी। तमाम ईरानियन हुकाम का दावा है कि इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट और फर्स्ट फ्लाइट के बाद ईरान की डिफेंस इंडस्ट्री ने एक और माइलस्टोन अचीव की है। याद रहे कि इससे पहले ईरान का दावा है कि वो रशियन साख्ता S-300 सरफेस टू एयर मिजाइल सिस्टम के हमपला बावर 373 के नाम से एयर डिफेंस मिजाइल सिस्टम मकामी सतह पर तैयार कर रहा है। इसके अलावा ईरान ने गुज़श्ता कुछ अरसे में कई तरह के सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और कैमाकाजी ड्रोन्स के अलावा मुख्तलिफ रेंजेस रखने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी मकामी सतह पर तैयार किए हैं। ख्याल रहे कि ईरान के बावर 373 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर बताई जाती है। फ्रेंड्स, बाइडन इंतजामिया की जानिब से इंडिया को जनरल इलेक्ट्रिक के F414 जेट इंजन्स की लोकल प्रोडक्शन से मुतालिक मंजूरी दे दी गई है। इंडिया बुनियादी तौर पर GE के F404 टर्बोफैन इंजन के इस वेरिएंट को मकामी सतह पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तैयार करने का मंसूबा रखता है। इन एयरक्राफ्ट की ज्वाइंट प्रोडक्शन से मुतालिक एग्रीमेंट इसी माह भारतीय वजीर आजम के दौरे अमरीका के दौरान मुतवक्के है। ख्याल रहे कि भारत अमरीकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को तेजस के Mk2 फाइटर एयरक्राफ्ट पर इस्तेमाल करने का मंसूबा रखता है। इंडिया की जानिब से तवक्को जाहिर की जा सकती है कि वो इन इंजन के तकरीबन 60 से ज्यादा यूनिट्स अमरीका से अक्वायर करेगा। फ्रेंड्स, अर्जेंटाइन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में इतलात हैं कि उसने अमरीकी कंपनी बेल के साथ 6 F-407 GXI हेलीकॉप्टर से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। अर्जेंटीनियन एयरफोर्स और आर्मी की जानिब से इन हेलीकॉप्टर्स को सर्च एंड रेस्क्यू मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इधर अर्जेंटीनियन हुकाम का कहना है कि बेल 407 हेलीकॉप्टर्स की एक्विजिशन से उसकी मुसल्ला अफवाज की नेशनल सिक्योरिटी की कोशिशों में सलाहियतों को मजीद इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।